Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। So guys, आपका भाई आपके लिए एक और नई वीडियो और एक लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी लेकर आ गया जहां पर आप ले सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। साथ ही आपको यहां पर होम लोन भी मिलने वाला है, उसके साथ ही आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड भी मिलने वाला है। जी हां गाइस, आप यहां पर होम लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां पर लोन मिलने वाला है। कैसे आपको यहां पर लोन मिलेगा, क्या करना होगा, सब कुछ आगे बता दूंगा, वीडियोस की बिल्कुल मत करना। हो सके तो इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं मैंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है कैशिया पर्सनल फाइनेंस कंपनी। यहाँ पर आपको मिलेगा पूरे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन, होम लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक ट्रस्टेड कंपनी है जहाँ पर आप होम लोन और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस एप्लीकेशन में जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके मोबाइल नंबर से। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस एप्लीकेशन है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो गाइस सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक्सपेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आप जितना भी एक महीने के अंदर जितना भी खर्च करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, और कितनी इनकम है आपकी यहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके साथ ही नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पर्सनल लोन मिलने वाला है, होम लोन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम आप ढूंढ सकते हैं आपके आसपास, कैलकुलेटर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है जिससे आप अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में जाकर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी ही कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डालना है आपकी मंथली सैलरी कितनी है। मान लीजिए हमारी 45,000 रुपए है, तो हमने 45,000 रुपए यहाँ पर डाल दी। उसके बाद आप कितने महीने के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, चलिए हम 24 महीने के लेना चाहते हैं। उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना देना चाहते हैं अब, तो चलिए हम यहाँ पर 12% कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई पहले से ईएमआई चल रही है तो वो आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 2450 रुपए। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर बोल रहे कि भाई आप जो है यहाँ पर 4,13,952 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक विश्वास हो जाए कि भाई हम जो है यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी 45,000 रुपए तनख्वाह है तो मैं यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे 4 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर होम लोन एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। जब आप यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले उसके बाद गाइस आपने यहां पर यह सिलेक्ट करना है कि आप यहां पर कौन सा लोन लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं गाइस, अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि भाई कैशिया कोई ट्रस्टेड कंपनी तो नहीं है, यहां पर हम कैसे लोन के लिए अप्लाई करें, तो गाइस मैं आपको बता दूं यहां पर यह थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपको यहां पर जो लोन मिलेगा वो इनके जो बैंकिंग पार्टनर फाइनेंस कंपनी है उनसे आपको लोन मिलने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल फर्स्ट, आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक, इनके साथ ये बैंक जुड़े हुए हैं, आपको यही बैंक लोन देने वाले हैं। केवल यहां से लीड जनरेट होती है जब आप यहां पर लोन के अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। उसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहां पर ये बोले भाई सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहां पर लोन अवेलेबल नहीं है, तो आपने यहां पर क्या करना है, सैलरीड ही कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, चेक से आती है या फिर कैश से आती है, तो हमारे अकाउंट में आती है इसलिए अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर ये पूछ रहा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है। कम से कम आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए महीना होनी चाहिए, इससे कम होगी तो लोन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर कर देते हैं 45,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ये सिटी पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी सिटी के अंदर रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं केवल ये 10 से 12 सिटी के अंदर ही लोन देते हैं। तो अगर आप इन सिटी से, सिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अगर आप इन सिटी से हैं तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली कर दिया। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड अभी डाल देता हूँ।
एरिया पिन कोड डालने के बाद आपने अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये लोन मिलेगा कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने के लिए आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर कर देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं कि भाई हम यहाँ पर लेना चाहते हैं ये लोन 24 महीने के लिए, ठीक है। नीचे हमारी परमानेंट रेजिडेंस सिटी दिखाई दे रही है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, और हमारा एरिया पिन कोड। यहाँ पर ये पूछ रहे भाई करंट रेजिडेंस जिसमें आप रहते हैं वो आपके खुद का है या फिर रेंट पर रहते हैं आप। तो हम चलिए ऑन कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद गाइस यहाँ पर ये पूछ रहा है भाई आपकी जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है, पार्टनरशिप है, ठीक है, जो भी है आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंपनी का नाम आपको यहाँ पर बताना है, इंडस्ट्री ऑफ कंपनी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, कंपनी सिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, कंपनी एरिया का पिन कोड, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। कंप्लीट फिल करने के बाद, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर आपको लोन डिटेल दिखाई देगी, उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी, उसके बाद रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो गाइस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ही सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। तो चलिए आप इसको यस कर दीजिए अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यानी पिछले 2 साल में आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है तो यस कर देते हैं, हम तो करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि पिछले 2 महीने में किसी बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो यस कर देते हैं। कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर सिबिल स्कोर, अगर आपको पता है आपका सिबिल स्कोर कितना है तो यस कर देना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, नाम वही डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो। उसके बाद आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपने नीचे से पहले क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है और प्रोसीड कर देना है। पर्सनल डिटेल देने के बाद गाइस आपको यहां पर रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होगी और एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। 80% मैंने आपको यहां पर बता दिया किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। जब आप यहां पर ये डिटेल कंप्लीट फिल कर देंगे, ये 4 स्टेप आप कंप्लीट कर देंगे, तो आपकी जो लोन एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहां पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद गाइस क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन ये कंपनी भेजेगी अपने पार्टनर फाइनेंस कंपनी या फिर पार्टनर बैंक को। उसके बाद बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आपके पास कॉल आती है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा आपके घर से, या फिर आपको खुद जाना होगा डॉक्यूमेंट्स देने के लिए फिजिकली, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, ई मैंडेट करना होगा, चेक वगैरह देने होंगे, और आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो बैंक आपको दे देगा। तो गाइस मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आगे के स्टेप आपको मैं कंप्लीट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि लोन मुझे नहीं चाहिए, लोन आपको लेना है, तो ये डिटेल आपको ही कंप्लीट फिल करनी होगी। अगर मैंने यहां पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर दे दिया तो मुझे भाई दिक्कत हो जाएगी, मेरा सिविल स्कोर डाउन होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो गाइस आपने यहां पर केवल 4 से 5 स्टेप कंप्लीट करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपने होम लोन के लिए भी अप्लाई करना है, और सेम इसी तरीके से आपने जो है क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है। क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर आरबीएल बैंक देने वाला है, आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर केवल मिलने वाले हैं अभी तक, ठीक है। तो अगर आप आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो सिंपली आपने अप्लाई पर क्लिक करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना। प्रोसेस सेम वही है, डिटेल आपने यहां पर देनी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, बैंक के पास जाएगी, बैंक कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा और आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो, और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो, ठीक है। तो गाइस आप इस तरीके से कैसे ऐसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ये कंपनी आपको लोन नहीं देने वाली, इनकी जो पार्टनर बैंक होते हैं वो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।